दोस्तों 2010 में जब ज़िरोधा की एंट्री स्टॉक मार्केट में एज ए ब्रोकर हुई थी तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़िरोधा नंबर वन ब्रोकर इंडिया के अंदर बन जाएगा। दोस्तों जिस टाइम पे सिर्फ फुल ब्रोकर और बैंक ब्रोकर ही काम करते थे उस टाइम पे ज़िरोधा ने एंट्री की थी इंडिया के अंदर, और एज ए स्टॉक ब्रोकर उसने विद इन लास्ट 13 ईयर्स जो परफॉर्मेंस दिखाई है उस परफॉर्मेंस के पूरी इंडस्ट्री में आप सभी दीवाने हैं। दोस्तों उसने पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री को एकदम रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर के आया है, और उसने जो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर से जो स्टार्ट किया था, और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब उसने इन्वेस्टिंग को पूरी ज़ीरो ब्रोकरेज के साथ मार्केट में उतारा तो उसकी वजह से बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट से जुड़े। तो एक बहुत बड़ा योगदान ज़िरोधा ने स्टॉक मार्केट में दिया है, और इसी की वजह है कि आज मार्केट में इतने कॉम्पिटिटिव ब्रोकर्स आ चुके हैं जिनकी वजह से हम सभी को यानी कि कस्टमर्स को बेनिफिट हो रहा है। दोस्तों जो रिवॉल्यूशन जो तबाही इसने ब्रोकिंग के फील्ड में मचाई थी उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे ज़िरोधा जो करने वाला है वो ज़रूर ही आपके बेनिफिट का हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि जब भी कंपटीशन होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में तो उसका बेनिफिट कस्टमर को ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही अप्लाई किया था ज़िरोधा ने एक एएमसी बनाने के लिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने के लिए, जिससे कि वो म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत कर सके ज़िरोधा के बैनर तले। और ये जान के आपको खुशी होगी कि ज़िरोधा को सेबी की तरफ से सारे अप्रूवल मिल चुके हैं और ज़िरोधा एएमसी बन के तैयार है, और दोस्तों 6 से 8 हफ्ते के अंदर ही एक नया एनएफओ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ज़िरोधा एएमसी की तरफ से, ज़िरोधा फंड हाउस की तरफ से एक नया एनएफओ आने वाला है, और वो भी सिर्फ 6 से 8 हफ्ते के अंदर। तो पैसा तैयार रखिए, और जो भी फंड आएगा पहले लेकिन उसको जांच जरूर कर लीजिएगा कि कौन सा फंड आया है। अब जान लेते हैं कि ये एएमसी किस तरीके से बनाई गई है। दोस्तों ज़िरोधा ने अपने स्मॉल केस के साथ में एक टाई अप किया है, स्मॉल केस और ज़िरोधा टाई अप करके 50-50% की पार्टनरशिप के साथ एक एएमसी इन्होंने क्रिएट की है जिसमें ये म्यूचुअल फंड ऑफर्स लेकर के आएंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िरोधा ने हमेशा कस्टमर की बेहतरी के लिए, कस्टमर के फ़ायदे के लिए काम किया है। जैसे ज़िरोधा ने ब्रोकिंग में इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लेकर के आई थी, पहले लोग 100-100 रुपये, 200-200 रुपये तक ऑप्शन ट्रेडिंग में चार्ज करते थे, उसको उसने डायरेक्ट फ्लैट कर दिया 20 रुपीज़ पर ऑर्डर कर दिया दोस्तों। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसा ये ज़रूर करने वाले हैं जिसकी वजह से जितने भी फर्म चल रही हैं, जितने भी लोगों ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रखे हैं उन सभी को ज़रूर एक झटका देने वाला है। अब दोस्तों किस फील्ड में ये अपने फंड लेकर के आएंगे और कैसे आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों इन्होंने जो अपनी एएमसी लॉन्च की है उसका हेड बनाया है निप्पॉन कंपनी के एक पहले विशाल जैन थे जो कि ईटीएफ का जो सेक्शन है उसको देखते थे, तो वो इनके हेड बनाए गए हैं। और दोस्तों शुरुआत जो करने वाला है ज़िरोधा वो इंडेक्स फंड से करने वाला है। दोस्तों इंडेक्स फंड्स जो कि सीधे सीधे इंडेक्स को ही रिप्लिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करूं तो निफ्टी में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसी को रिप्लिकेट करते हुए उसी के रेशियो में जो शेयर्स हैं उन्हीं के रेशियो को लेते हुए निफ्टी का एक इंडेक्स फंड बनाया जाता है जिसमें कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी इंडेक्स हैं उन सभी के एक एक फंड मार्केट में हैं, बहुत सारी कंपनीज ने लॉन्च कर रखे हैं, लेकिन जब ज़िरोधा लेकर के आएगा इंडेक्स फंड तो डेफिनेटली उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और दोस्तों ईटीएफ के भी ये बहुत सारे वेरिएंट ला सकते हैं इन फ्यूचर। तो दोस्तों तैयार रहिए, एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ज़िरोधा देने वाला है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये क्या एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, क्या हलचल क्रिएट करेगा और कैसा रिवॉल्यूशन लेके आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ज़िरोधा अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर ही अपना पहला एनएफओ लॉन्च कर सकता है, तो इसीलिए आप तैयार रहिएगा। जैसे ही एनएफओ आता है आपको अगर वो अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग
ठीक लगे तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट होल्डर हैं तो दोस्तों इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आपने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया था तो ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ब्रोकिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उन्हें विजिट कर सकते हैं और अपने कमेंट के द्वारा अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स को हम बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं और उनके जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ उन सभी के जवाब आपको दिए जाते हैं। दोस्तों ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को आप फटाफट से लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि आगे भी और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नॉलेज हम आपसे शेयर करते रहते हैं। ये वीडियो आप देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।